हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ लास्ट पायरेट आइलैंड सर्वाइवल एडवेंचर। जी हाँ, मुझे पता है एपिसोड काफी लंबे टाइम बाद आ रहा है कि मैं कुछ चीज कर रहा था इसमें, एंड आज मेरे पास सारा का सारा सामान कलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। बट हम लोग एक बार चर्च गए थे एंड हम लोग चर्च को कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां पे अपने को चाहिए था गन। आ चुके ना तुम्हारे भाई के पास एक नहीं दो दो गन है, तो मुझे लगता है आज हम लोग चर्च को पूरे का पूरा कंप्लीट डेफिनेटली करके आ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से जो है ना अभी हम लोग चलते हैं। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक क्रैब मिला हुआ है, तो इसको तो मारना तो बनता ही है क्योंकि अभी जो है ना मेरे को गियर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो मैं फटाफट से ये क्रैब को मारता हूँ एंड आई होप यार अपने को यहाँ पे गियर्स वगैरह मिल जाए, क्योंकि अभी अपने को शिप को अपग्रेड करने के लिए कम से कम 4 लार्ज बॉक्सेस बनाने हैं एंड उसके बाद मेरे को 10 गियर्स और चाहिए। बॉक्स बनाने में भी गियर्स चाहिए एंड वैसे 10 गियर्स और चाहिए, तो कम से कम मेरे को 22 गियर्स चाहिए एंड लगभग मेरे पास 10 गियर्स हैं अभी एंड 12 गियर्स मेरे को और चाहिए। तो गियर्स तो गाइस अपने को बॉस को मार के ही मिलेगा, तो फटाफट से हम लोग जितने बॉस को मार पाएं मारने का ट्राई करेंगे। एंड अभी यार मेरे सारे के सारे वेपन्स जो है वो टूट चुके हैं, तो मेरे पास गन था। मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको जो है ना हम लोग फटाफट से गन से मारते हैं, बस मर जाएगा, एक दो बुलेट लगेगी ना, कहानी खत्म इसकी। वैसे भी गन से 50 का डैमेज आ रहा है। ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने मारा, मुझे गियर चाहिए, आई थिंक मेरे को गियर मिल जाएगा ना, तो भाई गियर नहीं मिला, नेल्स मिले, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। अभी हम लोग चलते अपने बेस में, सबसे पहले तो मेरे को अपने वेपन्स वगैरह रिपेयर करने, एंड यहाँ पे मैंने फर्नेस के अंदर मेल्ट करने के लिए मेटल्स रखा हुआ था क्योंकि मुझे जो है ना गोलियाँ बनानी है अपनी गन्स की। सो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा मेटल चाहिए एंड आई थिंक इतना मेटल तो अपने पास होगा कि हम लोग लगभग 10 बुलेट अपने लिए बना सके, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बुलेट्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं एंड 10 बुलेट्स और बन जाएगा तो अपना काम बन जाएगा यार। तो ठीक है, अभी सबसे पहले तो मेरे को बुलेट्स बनानी है, बुलेट्स बनाने के लिए मेरे पास चारकोल। ओके सो पहले मैं ऐसे करता हूँ ना, गन पाउडर बनाता हूँ एंड उसके बाद हम लोग बुलेट्स वगैरह बनाएंगे अपने के लिए। तो एक राउंड तो मैंने बना लिया, एक राउंड से लगभग 10 बुलेट्स मिलेंगी अपने को, तो मुझे लगता है थोड़ा सा बुलेट्स वगैरह और बनानी पड़ेगी मेरे को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉथ वगैरह लेता हूँ क्योंकि अपने को बैंडेजेस भी बनाने, क्योंकि वहाँ पे बैंडेजेस की अपने को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड सबसे पहले जो अपनी आर्मर है उसे मैं करता हूँ रिपेयर। तो ठीक है, अपना आर्मर रिपेयर हो चुका है एंड अब हम लोग फटाफट चलते हैं सीधा चर्च में एंड देखते हैं हम चर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बैंडेजेस बना लेता हूँ, पहले 3 बैंडेजेस बने, आई थिंक इतने में काम चल जाएगा। वैसे मेरे पास कटाना है, कटाना तो मस्त काम करती है। पानी भी है, गोलियां भी हैं, 2 गन्स भी है। देखो अभी मेरे को डर्ट, जो बैरल ऑफ डर्ट है ना वो चाहिए, जो कि अपने को डेफिनेटली चर्च से ही मिलेगा। सो मैं यहाँ पे आया, मैं सोच रहा था यार इनको मारने का ट्राई करूँ, बट मैंने कहा यार इनसे फाइट लेके कोई फ़ायदा नहीं, अपना हेल्थ कम होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है अपने के लिए। चलो अंदर घुसते हैं, लेट्स गो भाई, अब आएगा ना मज़ा यहाँ पे। लिटरली मेरे को चर्च के बारे में कुछ खास पता नहीं है भाई, यहाँ पे खूब भूल भुलैया है, मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाला हूँ, तो इतना तो मेरे को पता है। वैसे मैंने गेट आधा खोल दिया था ऑलरेडी, दोबारा चेकआउट करेंगे, क्या पता इस बारे में पूरा खोल पाऊँ। नीचे नहीं जाना है अपने को, यहाँ पे से साइड से निकलेंगे जंप करते हुए। नीचे गए ना 3-4 है, मार देंगे वो। ओके मैं यहाँ पे पहुँच गया। सो लास्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, हम लोगों ने इस वाले बटन को भी डाउन कर लिया है, दूसरे वाले बटन से भी जो है ना ये गेट डाउन कर दिया, बस एक बटन बचा हुआ है जो कि ऊपर है एंड उसको मैं सोच रहा था क्रॉसबो से नीचे करूँ, बट क्रॉसबो से हो नहीं रहा था, तो इस बारी मैं गन लेके आया हूँ, अभी भी नहीं हुआ। ओके चलो एकदम सेंटर में मारूंगा, मे भी तब होगा। चलो भाई अभी भी नहीं हुआ, तो ऐसे करते एक बारी हम लोग साइड से मारने का ट्राई करते हैं, मे भी अब हो जाए। ओके गाइस यहाँ पे ये डोर ओपन हो गया है। अब भाई लिटरली आर्मर वाले उनमें ना स्केलेटन्स में डैमेज बहुत ज्यादा कम जाता है एंड उन्होंने मेरी हेल्थ लिटरली इतना ज्यादा कम कर दिया। मैंने डिसाइड करा पहले अपनी हेल्थ वगैरह इंक्रीज करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ओके सो यहाँ पे देखो एक स्केलेटन यहाँ पे है एंड इसके अंदर एक मेटल बैरल ऑफ डर्ट है, इसको हमें चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले इसको मार दूँ। आजा बेटा आजा, चल वेटिंग कर। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, एक मेटल बैरल ऑफ डर्ट ये रही एंड मुझे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो मेरे को ना ये गेट को ओपन करने का रास्ता ढूंढना है।
क्या मैं ऊपर वाली बैरल ऑफ डर्ट ले पाऊंगा? तो यहाँ पे से किधर चले? यहाँ पे चढ़ने का ट्राई करता हूँ, बट वहाँ पे मेरे को कहीं नहीं मिला। बट मेरे को बाद में एक चीज आया, यहाँ पे ना अपने को एक व्हील मिलेगा उधर ही जिधर से हम लोग घुसे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा था भाई, यहाँ पे भी कहीं पे मिला नहीं। बट मेरे को याद आया जब मैंने यहाँ पे जॉम्बीज वगैरह मारे थे और वहाँ पे सीधा स्ट्रेट वहाँ पे एक बटन था। मैंने कहा क्या पता वही काम करेगा अपना। तो मैं आया यहाँ पे एंड इधर के साइड में था, देखो ये रहा। ओके यार, यहाँ पे अभी जो वो सेल था वो ओपन हो चुका है। चलते अंदर फटाफट से वो बैरल ऑफ डर्ट को लेंगे। भागो भाई। चलो मिल गया। ओके यहाँ पे अरे भाई बैरल है, क्या फोड़ सकते हैं इनको? चलो इनको बाद में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये तोड़ के जो है ना, मैं यहाँ पे से निकलता हूँ आगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी शॉट को बचाने के चक्कर में यहाँ पे निकाल दिया अपना हुक, एंड हुक से जो है ना ये बैरियर्स वगैरह तोड़ने लगा। अबे यार ऐसे करता हूँ ना, इसके ऊपर चलता हूँ तब काम करेगा मेरे ख्याल से। ओके हाँ, अब मेरे को यहाँ पे जाना है ऊपर। अबे दोबारा से नीचे आ गया। चलो अब चलते हैं ऊपर एंड यहाँ पे सीधा जंप। तो अभी जाना है अपने को सीधा इधर से इधर। ओके एक देखो बैरल वो है, जाने का रास्ता कहीं नहीं है, तो मुझे लगता है जंप करके मेरे को यहाँ पे से जाना पड़ेगा सीधा इधर। भाई थोड़ा सा आगे नहीं निकलना है, कहीं गलती से मैं नीचे गिर गया। ओके यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऊपर। हाँ यहाँ पे से ऊपर जाके, अरे भाई एक बैरल वहाँ पे, जंप मार। अब यहाँ पे दो झूलने वाली है तो इसको देखना पड़े। आराम से जंप मार के ना उधर जाना है अपने। मैं सोच रहा कहीं टूटे ना। ओके टूटेगा तो नहीं, ठीक है लेट्स गो। सो यहाँ पे पहुँच गया मैं। भाई अभी उधर कहाँ से जाना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई वहाँ पे तो मेरे समझ में नहीं आया और मैं नीचे गिर गया था। मैंने कहा चलो उसको मैं बाद में देखूंगा। बट यहाँ पे एक, जब हम लोगों ने वहाँ पे एक स्केलेटन्स को मारा था ना, नीचे भी रास्ता है। मैंने कहा यार पहले वाली बैरल्स उठाता हूँ फिर नीचे का तरफ देखूंगा, याली बैरल्स उठानी है। तो मैंने देखा यहाँ पे एक रास्ता है। ओके इधर की साइड में एक रास्ता भी था, तो क्या पता हम लोग वहां से जा सकते हैं। देखो रास्ता जो है ना इधर के तरफ से आ रहा है ऊपर चढ़ने का। मुझे लगता है मेरे को उधर से जाना पड़ेगा। अभी मेरा फूड लेवल वाटर लेवल सब का सब खत्म हो गया। चलो यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं। ओके यार ये ना रास्ता, एक बैरल है इसको तोड़ता हूँ मैं ग्रीन वाली। कुछ खाने का सामान मिल जाए ना। चलो खाने का सामान तो मिल गया। अभी मेरे को यहाँ पे से जाना है वो बैरल उठा के, फिर अपने को ना जो ऊपर वाली बैरल है उसको निकालना है। चलो मेरे को लगभग 3 बैरल अभी मिल चुकी है। तो अब यार हम लोग चलते हैं सीधा उधर। एंड यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का बैरल देखा, इसको फोड़ूंगा, इससे मेरे को सामान मिलेगा, 10 पार्ट मिले, ठीक है। भाई क्या पता अपने को इससे भी सामान मिलेगा क्या? भाई क्या हो गया ये, फट गया मैं, मर गया। चलो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचा एंड अभी मेरे को ऊपर जाना है। बट यहाँ पे मेरे को एक ना व्हील दिख रहा है, इसको यूज करके ट्राई करूंगा क्या होता है इसका यूज। चलो भाई थोड़ा सा पास और जाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा पास और चलते हैं इसके। ओके सो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब जंप करके ना हम लोग इधर चलते हैं और यहाँ से जंप, एंड फाइनली गाइस हम लोग ये वाली बैरल्स भी मिल गई। बट अभी ना मेरे को ऊपर एक बैरल है वो जाना है उधर, वो देखेंगे यार उधर कैसे चलेंगे हम लोग। बट मेरे को अभी हेल्थ वगैरह इंक्रीज करनी है, थोड़ा सा खाना वगैरह खाता हूँ फिर देखता हूँ उधर किधर कैसे जाना है। भाई मेरे को कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं, ब्लूप्रिंट्स भी चाहिए क्योंकि अपने को ना लास्ट बॉक्स का रेसिपीज को अनलॉक करना है। चलो निकलते हैं यहाँ पे से। भाई उधर जाना है ना अपने को, कैसे जाएंगे उतने दूर? कुछ ये किताब क्या है, किताब को पढ़ के देखें। ओके यहाँ पे दिख रहा है ना, चलो मैंने किताब में क्लिक करा एंड फाइनली गाइज वहां पे कर जो है ना रास्ता बन चुका है, रास्ता बन गया उधर का। अब देखना पड़ेगा भाई उधर किस तरीके से जाना है मेरे को। ओके सो है ना रास्ता, जंप करते हुए चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अपने को, चलो कोई नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पे है मेन दिक्कत,
जंप कर। बट यहाँ पे देखो यार, वाली सीढ़ी है और उसके बीच में गैप बहुत है, आराम आराम से जंप करके निकलना पड़ेगा, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। ओके ओके, अरे भाई नीचे गिर गया। चलो कोई नहीं, हम लोग नीचे गिरे। बट यहाँ पे जो एक नदी है ना, उधर भी एक ग्रीन कलर का बैरल है, मैंने कहा इसी को उठा ले तो मैं आराम से जाना पड़ेगा नीचे भी। गिर जा गिर जा। ओके सो यहाँ पे पहुंचा, ग्रीन कलर के बैरल जो है ना उसको उठा दो। ग्रीन नहीं, ब्लू, ब्लू बोलेंगे, मैं बोल रहा ग्रीन, ठीक है उठा लिया। एंड अभी मेरे को यहाँ पे से आगे निकलना है, ये स्केलेटन से मेरे को मिले कुछ बोन्स, एक डट बैरल डट वहाँ पे भी है, बट मैं यहाँ पे से अंदर जाने का ट्राई कर रहा था, जा नहीं पा रहा था, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करता। ओके सो यहाँ पे देखो एक व्हील अपने को मिला, एंड आई थिंक अब वहाँ पे से जो बैरियर था वो हट गया, स्केलेटन भाई हट गया। चलो ठीक है, एक और बैरल। एंड फाइनली गाइस, अब जो है ना एक बैरल बचा हुआ है वो उठाना है, बट सबसे पहले तो यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं बाहर। ओके जंप करते करते आराम से निकलो, ठीक है मैं पहुंच गया भाई। स्केलेटन्स देख रहे हो, लगता है यहाँ पे पायरेट्स को बंदी बना के रखा हुआ है, बेचारे सारे के सारे मर गए। अब यहाँ पे से मेरे को निकलना है ऊपर, एंड आई थिंक मैं दोबारा से चर्च में पहुंच जाऊंगा। रेड कलर का बैरल है, इसको फोड़ के देखते हैं, इससे अपने को प्रीशियस रिसोर्सेज मिलते हैं, रूफ मिला, क्लॉथ मिला, ठीक है। ओके सो अभी मैं दोबारा से चर्च में पहुंच चुका हूँ भाई, बहुत ऊपर है, ठीक है नीचे से गए ऊपर से बाहर निकले। तो अभी गाइस अपने को जो वो बैरल बचा हुआ है ना वो उठाना है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से पहुंचा। अब मैंने कहा भाई सिस्टमैटिक तरीके से आराम आराम से जाकर जो है ना वो बैरल उठानी है, अगर आप लोग नीचे गिरे ना तो डेफिनेटली मर जाओगे, तो मेरे को थोड़ा सा संभल के चलना है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा देख के ऊपर, इधर से भी रास्ता है, बट कोई नहीं हम लोग आगे से ही चलेंगे डायरेक्ट, है ना उधर से ही चलते हैं। चलो मैं सोच रहा था यहाँ पे से मैं जंप करने का ट्राई करूँ उस वाली हैंगिंग वाली स्टेयर में, बट आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पे कर पाऊँगा। चलो ऐसे करते ना इधर से ही चलते हैं, इधर जंप करके अभी मेरे को आगे जा रहे हैं। वहाँ पे भी एक ना व्हील है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे उसको भी यूज़ करना है। ये यहाँ पे दिक्कत होगी, अरे नीचे गिर गया। चलो कोई नहीं, पेड़ में अटक गया, पेड़ का यूज़ करके ना दोबारा से वहाँ पे जाने का ट्राई करता हूँ। ओके ओके, इस वाली टहनी में जाना पड़ेगा, तो मेरे पास एक चांस है, अगर ये चांस मैंने कर लिया ना। ओके सो भाई पहुंच गया, जैसे भी पहुंचा जंप करते हुए आराम से। ओके सो यहां पे पहुंचा, और जंप करना पड़ेगा मेरे को, लेट्स गो। अभी एक और जंप होगा, कोई नहीं यहाँ पे थोड़ा सा जगह है जहां पे हम लोग यूज करके जा सकते हैं अभी इसमें, इस पिलर में, ठीक है भाई पहुंच गया, इसको यूज करता हूँ। मेरी ख्याल से यहाँ पे से बाहर निकलने का रास्ता था, वो भी ओपन हो गया, तो अब बस अपने को ये बैरल उठानी है एंड यहाँ से हम लोग कर लेंगे एस्केप इजीली। भाई इजी तो बाद में होगा, पहले ये बैरल तो उठा भाई। चलो आराम से, अभी अपने को जंप करके ऊपर जाना है भाई। ये क्या हुआ यार, मतलब मैं उसके ऊपर चढ़ा वो नीचे झूल गया एकदम से। अब लगता है मेरे को वो रास्ता तो पूरा का पूरा क्लोज हो गया, एंड अब अपने को यूज करना पड़ेगा साइड वाला रास्ता जिसका मैं पहले प्लान कर रहा था ना, इधर से जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे कूदो, फिर इधर से इधर, और अब ना मेरे को इधर वाला रास्ता करना पड़ेगा यूज। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जरूर, बट आई थिंक सो कि हम लोग कर लेंगे, उधर तो नहीं जा पाएंगे। एंड इधर से मुझे जो इधर वाली सीढ़ी है ना उसमें जाना पड़ेगा जंप करके, ट्राई करता हूँ। अबे यार पहुंच गया था, रुको दोबारा से करते हैं, लेट्स गो। अब ये एक ट्राई है, अगर पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उधर से जाने का ट्राई करूँ। अरे भाई पहुंच गया। तो फटाफट से वो बैरल उठाते हैं एंड निकलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर। भाई अब कम से कम अपने को ना जितने भी बॉसेस हैं बॉसेस ही मारने पड़ेंगे, क्योंकि अपने को अपना सिप अपग्रेड करना है। मेरे को चाहिए उसके लिए गियर्स, गियर कलेक्ट करने में लिटरली यार बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड फाइनली हम लोगों ने चर्च को जो है ना कंप्लीट कर लिया है, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। एंड अभी हम लोग निकलते हैं सीधा अपने शिप के पास्ट में।
सो मैं यहाँ पे से जा ही रहा था तो मैंने डिसाइड करा यहाँ पे ट्रेजर स्केलेटन्स होता है उसको मार के वे चलते हैं। अबे बाइक किधर है? अरे भाई उसको रखवाली करनी है ना, स्केलेटन्स होते हैं। चल बेटा निकल, तू भी निकल। अब इसको मारूंगा, देखो भाग रहा है ये ट्रेजर लेके अपने ऊपर। लगता है ग्लीच है उसका, ट्रेजर की पेटी नहीं दिख रही है ना, बट मैं जब मारूंगा डेफिनेटली निकलेगी तो ज़रूर बाहर। अरे भाई किधर भाग रहा है? ओके मर गया। गियर मिल जाए ना मज़ा ही आ जाएगा। रुक जा ले, खा बेटे एक गोली। भाई गियर नहीं मिला, ओनली क्लॉथ मिला, बट ये लूट बहुत ज़्यादा बेकार था। तो उसके बाद फाइनली हमारे पास देखो अब क्या है, सिर्फ आ गया मैं, बैरल ऑफ डर्ट है अपने पास। अभी मेरे को लार्ज बॉक्सेस चाहिए, हाईली मेटल प्लेट्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कलेक्ट करेंगे, एंड अपने के लिए अपने को चाहिए मेटल बैरल। बैरल तो है, लार्ज बॉक्स। तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ रेसिपी फ्रेगमेंट्स मिले थे तो मैंने डिसाइड करा सबसे पहले हम लोग जो है ना अपने के लिए लार्ज बॉक्स का रेसिपी हम लोग करेंगे। एक लार्ज बॉक्स मेरे को डेली कलेक्ट से मिल जाएगा कल को, एंड वो कलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग करेंगे अपना सिप अपग्रेड, दो तीन एपिसोड्स के अंदर मज़ा आएगा। एंड ये सीरीज जो है ना मैं डेफिनेटली एंड करने वाला हूँ, टाइम लगेगा बट करेंगे ज़रूर। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना।